हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इरफान। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 34 साइज बॉटम राउंड गोल दामन बंडी जैकेट सदरी कटिंग करना बता रहा हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। जेंट्स कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए IRF स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेजरमेंट स्क्रीन के ऊपर है, ये सेम मेजरमेंट का हम बंडी जैकेट बॉटम राउंड गोल दामन बंडी कट करेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। बैक कटिंग करेंगे विदाउट जॉइंट, बिना जोड़ वाला। इस तरह से फोल्ड करने के बाद बॉटम में दामन में मार्जिन रखेंगे 2 इंच मार्जिन। लंबाई लेंथ है 28 इंच, तो बैक में 28 इंच पर रखकर मार्क लगाएंगे। चेस्ट सीना है 34 इंच, 34 इंच का चौथा हिस्सा होता है 8.5, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 9.5 इंच पे मार्क लगाएंगे आर्म होल डाउन का। आर्म होल डाउन 9.5 है, 7 इंच प्लस करके 16.5 इंच पर स्टमक डाउन, स्टमक का सेंटर का मार्क लगाएंगे। ये सेम मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट करेंगे। नेक कॉलर है 14 इंच, 14 इंच कॉलर पे नेक ब्रॉडनेस, गले का चौड़ाई, हाला रखेंगे 2.5 इंच। 1 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। शोल्डर है 16 इंच, 16 का हाफ करेंगे 8 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन, टोटल 8.5 इंच। यहाँ भी 8.5 इंच पे रखेंगे और क्रॉस बैग 1 इंच माइनस कर देंगे। बंडी का शोल्डर कोट के शोल्डर से 0.5 से 1 इंच कम रहता है, तो क्रॉस बैग 1 इंच माइनस करना है। शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच। चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, सीना का चौथा हिस्सा 8.5 इंच, 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। पेट का चौथा हिस्सा 8 इंच, 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। हिप 36 है, हिप का चौथा हिस्सा 9 इंच, 9 इंच 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। दोस्तों, मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सोहाना स्टूडियो। सोहाना स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को लेडीज ड्रेस, ऑल टाइप लेडीज ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग सिखाता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सोहाना स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। फ्रंट सामना कटिंग करेंगे, बॉटम में मार्जिन लगाएंगे 2 इंच। जितना हमने बैक में मार्जिन दिया है, फ्रंट में भी दामन में सेम मार्जिन देना है।
इस मार्क को मेजरमेंट करेंगे 9.5, 16.5 और लेंथ 28 है तो 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे 29 इंच। लेंथ 28 है, 1 इंच प्लस करके 29 इंच पर रखेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच, आर्म होल डाउन 9.5, 16.5। ये सेम मार्क एक और लगाकर मार्क स्ट्रेट करेंगे। हाफ इंच, आधा इंच मार्जिन के लिए मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट सीना का चौथा हिस्सा 8.5 इंच, यहां से लूजिंग रखेंगे। टाइट फिटिंग के लिए 2 इंच, मीडियम फिटिंग के लिए 2.25 इंच और लूज फिटिंग के लिए 2.5 इंच। हम ये टाइट फिटिंग कट कर रहे हैं तो 2 इंच पे मार्क लगाएंगे, 2 इंच, 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। बैक और फ्रंट में सेम मार्जिन आएगा। स्टमक पेट का चौथा हिस्सा 8 इंच, लूजिंग 2 इंच और मार्जिन 1.25 इंच। हिप का चौथा हिस्सा 9 इंच, लूजिंग 2 इंच, एक्स्ट्रा मार्जिंग 1.25 इंच। पौना इंच 3-4 ऊपर एक मार्क लगाएंगे। ओपन रखने के लिए 3 इंच, 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। यहाँ लेंथ के मेजरमेंट से 8 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे पॉकेट के लिए। यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच का डिस्टेंस रखेंगे, गैप रखेंगे 2.5 इंच। पॉकेट बनाएंगे हम 5 इंच, 5 इंच, तो 5 इंच पे मार्क लगाएंगे। राउंड करने के लिए 1 इंच पे मार्क लगाना है और यहां से 7.5 इंच पे मार्क लगाएंगे काज और बटन के लिए। और यहाँ से इस तरह से शेप स्केल रखकर वी करेंगे और फिर इसको राउंड करेंगे। ये राउंड बॉटम है गोल दामन। बंडी में 1 इंच करना है, कोट में हम लोग ज़्यादा रखते हैं 1.5 इंच, 1.25 इंच, लेकिन बंडी के बॉटम राउंड में 1 इंच ही मार्क लगाकर राउंड करना है। चेस्ट 34 है, तख्ती माइनस करेंगे 0.25 इंच 3-4 जैसा कि हम लोग कोट में करते हैं और ये मेजरमेंट कर लेंगे, जितना है सेम उतना ही मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट करेंगे। कॉलर का हाला 0.75 इंच है, बैक में 1 इंच प्लस करके फ्रंट में लगाएंगे। ये 0.3 और यहां से 1 इंच एक्स्ट्रा 0.4 इंच, जितना हम नेक ब्रॉडनेस बैक में लगाएंगे उससे 1 इंच ज्यादा फ्रंट में लगाना है।
यहाँ इस तरह से रखकर मार्क लगा लेंगे। सीना 34 इंच है, 3.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। सवा 3 इंच पे हमने लगाया है तो यहाँ 1/4 इंच 3/4 ऊपर मार्क लगाएंगे। यहाँ से 1/4 इंच अंदर एक मार्क लगाकर और इस मार्क को इस मार्क में मिला देंगे और फिर गुलाई करेंगे। वेल्स पॉकेट का मार्क लगाएंगे, यहाँ से 1 इंच गैप देंगे। सीना 34 है तो 1/4, 3.5 भी लगा सकते हैं तो 3.5 इंच पे लगाते हैं। आधा इंच, 1 इंच, यहाँ भी 1 इंच। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मार्जिन देखिए दोनों बैक और फ्रंट इस तरह से रखकर और यहाँ इस मार्क पे सिलाई कर लेना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।